हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज टिप्स। सर्दियों का मौसम है और मार्केट में हरी हरी मटर बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही है, किंतु सर्दियां ख़त्म होते ही ताज़ी हरी मटर मिलना भी बंद हो जाएगी। वही पैकेट वाली मटर मिलेगी जो कि काफ़ी महंगी होती है। तो क्यों ना हम घर में ही फ्रिज में मटर स्टोर कर लें, ताकि पूरे साल भर तक हरी मटर का स्वाद ले सकें और मार्केट से हमें महंगी हरी मटर ना खरीदनी पड़े। तो आज हम दो तरीके से मटर स्टोर करना बताएंगे। जो भी तरीका आपको ठीक लगे, उस तरीके से आप मटर स्टोर कर लें। वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो ये हमने हरी मटर को छीलकर उसके दाने निकाल लिए हैं। अगर आपको मटर में मिट्टी लगे तो उसे धोकर कपड़े पर छाया में फैला दें, जिससे उसका सारा पानी सूख जाए। ये मेरे 10 किलो मटर के दाने हैं, तो हम इसे साल भर के लिए स्टोर करके रखेंगे। इसे हम उबालेंगे नहीं, इसे ऐसे ही स्टोर करेंगे। तो इसे स्टोर करने के लिए आप कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले सकते हैं। जैसे ये हमने सोन पापड़ी का बॉक्स लिया है, इसी में मटर भर देते हैं। मैं लास्ट में आपको पिछले साल स्टोर की हुई मटर भी दिखाऊंगी। आप देखिएगा, अभी भी एकदम वैसी ही है। अब ये मैंने मिठाई का बॉक्स लिया है, इसमें रसगुल्ले, रसमलाई वगैरह पैक होकर आते हैं, तो इसमें भी हम मटर रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से कोई भी बॉक्स जो खाली होते जाते हैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, उन्हें इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। अब ये हमने शहद का खाली डिब्बा ले लिया है, इसमें भी मटर पैक कर सकते हैं। कोई भी एयर टाइट बॉक्स जिसमें हवा ना जाए, उसे आप मटर स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बॉक्स ना मिले तो इस तरह की पन्नियाँ ले लें, जिसमें हलवाई दही वगैरह पैक करके देते हैं। इसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी थोड़ी मटर पैक कर सकते हैं। अब इसकी एयर निकालकर इसमें रबर बैंड लगा देंगे। इस तरह से छोटी छोटी पैकिंग करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। एक पैकेट निकाला और यूज़ कर लिया, सारी मटर नहीं निकालनी पड़ती, और फ्रिज में कम जगह में बहुत सारे पैकेट स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमने सारी मटर पैक कर ली है, अब इसे फ्रिज में लगा देते हैं। मटर स्टोर करने के लिए हम फ्रीजर का यूज़ करेंगे। ये हमने कुछ मटर पहले से स्टोर करके रखी है। मटर हमेशा फ्रीजर में ही स्टोर करें। यदि आपने फ्रिज की वेजिटेबल रैक में मटर स्टोर किया तो कुछ दिन में वो अंकुरित होने लगेगी और ख़राब हो जाएगी। फ्रीजर में काफ़ी ज़्यादा ठंडक होती है, इसलिए मटर अंकुरित नहीं होती और साल भर तक एज इट इज़ बनी रहती है। अब हम आपको अपनी लास्ट ईयर की मटर दिखा देते हैं। ये भी हमने सोन पापड़ी के बॉक्स में ही पैक किया था। ये अभी भी वैसी ही है जैसी हमने पैक की थी। खाली जगह में थोड़ी बहुत एयर रह जाती है तो उसमें बर्फ़ जम जाती है। इसे जितनी ज़रूरत हो उतनी निकाल कर पानी से धो लें और यूज़ करें। अब हम आपको मटर स्टोर करने का दूसरा तरीका भी दिखा देते हैं। तो ये हमने मटर को छीलकर उसके दाने निकाल लिए हैं और इसे पानी से धो लिया है। अब हम आधा भगोना पानी लेंगे और इसे बॉयल करेंगे। अब इस पानी में हम दो छोटे चम्मच चीनी डालेंगे और एक छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं। इससे हमारी मटर ताज़ी मटर के जैसी हरी और मीठी बनी रहेगी। पानी बॉयल होने लगा है, अब हम इसमें मटर डालेंगे। एक ही बार में सारी मटर ना डालें, थोड़ी थोड़ी मटर डालकर बॉयल करेंगे। दो मिनट में मटर ऊपर आने लगेगी, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सारी मटर ऊपर आ गई है। अब इसे निकाल लेते हैं
और एक अलग भगोने में ठंडे पानी में डाल देते हैं ताकि इसकी कुकिंग बंद हो जाए। मटर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे ही ये ऊपर आने लगे तुरंत इसे निकाल लें। जैसे ही मटर ठंडी हो जाए इसे साफ़ सूती कपड़े पर फैला दें ताकि इसका पानी सारा सूख जाए। तो इस मटर का सारा पानी सूख गया है, अब हम इसके छोटे छोटे पैकेट बना लेंगे। हमने वही हलवाई वाली पन्नियाँ यूज़ की हैं, आप कोई भी ज़िप वाली पन्नी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मटर पैक करके इसकी भी एयर निकाल कर रबर बैंड लगा देंगे। तो ये हमने सारी मटर पैक कर ली है, अब इसे भी हम फ्रीज़र में लगा देंगे। छोटे छोटे पैकेट बनाने से यूज़ करने में आसानी होती है। तो ये हमने मटर स्टोर करने के दो तरीके बताए, आपको जो भी ठीक लगे उस तरह से मटर स्टोर कर लें और साल भर सस्ती हरी मटर का लुत्फ उठाते रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।